नवांकुर डिजी लेसन्स में लेसन में आपका स्वागत है। मैं अविनाश डोंगरे, कक्षा 11 का एक नया चैप्टर, यूनिट 5 का पहला चैप्टर जंतु में पाचन को लेके उपस्थित हूँ। पाचन क्या है? पाचन वह क्रिया होती है जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि वो आसानी से अवशोषित हो सके। जो भी भोजन मिलता है वो जटिल अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं। जटिल का मतलब यहाँ यह है कि जिनका अणुभार अधिक होता है। उन अणुओं को अवशोषण करने की क्षमता हमारे आंत में नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें पहले छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और उसके बाद फिर उसको जटिल अणुओं में बदला जाता है। पाचन जंतुओं में मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्यकोशीय पाचन, दूसरा होता है अंतकोशीय पाचन। बाह्यकोशीय पाचन, जब भोजन का पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल में होता है तो इस प्रकार के पाचन को जो है बाह्यकोशीय पाचन कहते हैं। इसमें आहार नाल पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी हो सकता है। इसके उदाहरण है जैसे मनुष्य, मछली, मेंढक, इनमें अंतकोशीय बाह्यकोशीय पाचन होता है, यानी पहले पाचन कोशिका के बाहर होगा उसके बाद भोजन का अवशोषण होगा। अंतकोशीय पाचन, अंतकोशीय पाचन, जब भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है तो इसे अंतकोशीय पाचन कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम इसके उदाहरण होते हैं। इनमें भोजन को ग्रहण किया जाता है। अमीबा फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस के द्वारा भोजन ग्रहण करेगा और फिर उसका पाचन उसकी कोशिका में पूर्ण होगा। चूंकि ये एक कोशीय जंतु होता है इसलिए ये प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। मनुष्य का पाचन तंत्र, तो मनुष्य का पाचन तंत्र दो प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटकों से मिलकर बना होता है, पहला होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। अब आता है आहार नाल। यह मुख गुहा से एनस या गुदा तक फैली हुई लंबी एवं कुंडलित लगभग 4.5 मीटर 4.5 मीटर लंबी नलिका होती है। मुख ऊपरी तथा निचले ओंठों से घिरे अर्धचंद्राकार छिद्र मुख कहलाता है। मुख आगे की ओर मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका का ऊपरी भाग तालु कहलाता है। तालु के आधार तल पर एक पेशी जिह्वा पाई जाती है, टंग्स पाई जाती है, जिस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाओं द्वारा भोजन के स्वाद का ज्ञान हमें होता है। मुखद्वार दो जबड़े होते हैं। ऊपरी जबड़ा अचल और निचला जबड़ा चल होता है, यानी अगर हम जबड़े हिलाते हैं तो निचला जबड़ा ही गतिमान होता है, ऊपरी जबड़ा नहीं होता है। ऐसे ही ऊपर का जो जबड़ा होता है, ऊपर का जो तालु होता है वो हार्ड रहता है, कठोर रहता है, जबकि निचला तालु जो है वो सॉफ्ट प्रकार का होता है। दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत जो है वो गर्तदंती, विषमदंती, दीवारदंती प्रकार के होते हैं। अब गर्तदंती क्या है? तो गर्तदंती का मतलब है कि ऐसे दांत जो गर्त या गड्ढे में पाए जाते हैं, धंसे हुए रहते हैं। इनकी जड़ें अपने जो जबड़े की हड्डी होती है उसमें गड्ढे पाए जाते हैं, उसमें ये धंसे हुए रहते हैं। विषमदंती का मतलब होता है कि मनुष्य में जो भी दांत पाए जाते हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं। हमारे इसमें 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। इंसीजर पाए जाते हैं, इंसीजर पाया जाता है, कैनाइन पाया जाता है, प्रीमोलर पाया जाता है और मोलर, यानी कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और पार्श्वचवर्णक, चवर्णक के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य दीवार दंती होता है। दीवार का मतलब है कि हमारे जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। एक बार आते हैं दूध के दांत और एक बार आते हैं स्थायी दांत, जो 32 होते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र को अगर हम देखेंगे तो जिह्वा है, मुख है, ग्रसनी है, ग्रसनी या ग्रसिका है, डायफ्राम होता है जो सांस लेने में मदद करता है, आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, पित्ताशय है। आमाशय का काम मुख्यतः काय का होता है, भोजन भंडारण का काम भी ये करता है। बृहद आंत, कोलन, बड़ी आंत होती है, अग्नाशय होता है और अपेंडिक्स या परिशेषिका होती है और एनस होता है। दांत की अगर हम संरचना देखेंगे
तो दांत की संरचना में जो है ऊपरी भाग है ये कठोर तालु है और इसमें चार तरह के दांत स्पष्ट दिखाई देते हैं, कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृदनक का काम किसी भी चीज को तोड़ना है, रदनक का कार्य चीरफाड़ करना है, अग्रचवर्णक का काम पीसना और चवर्णक का काम भी पीसना होता है। दांत की अगर संरचना देखते हैं तो दांत में जो है एक क्राउन होता है, एक नेक होती है और एक रूट होती है, साथ में रूट कैनाल होती है जिसमें दांत की जड़ें प्रवेश करती है। पल्प केविटी होती है, इसमें रक्तवाहिका, तंत्रिका तंतु वगैरह होते हैं। डेंटाइन कठोर परत होती है और उसके ऊपर एनेमल या एक पेंट चढ़ी हुई परत होती है। जब कभी यह एनेमल खराब होता है तो उस समय हमें सेंसेशन महसूस होता है या दांत में ठंडे और गर्म का एहसास होता है। अस्थि दांत के जो है अस्थियों के गर्त में जो है मूल पाए जाते हैं, दांत के भाग पाए जाते हैं। मसूड़ों से घिरा हुआ मध्य भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा या नेक कहलाता है। ऊपरी भाग जो है वो शिखर या क्राउन कहलाता है। ये दांत जो है मूल जो है दांत की मूल गर्त या गड्ढे में एक सीमेंट के द्वारा स्थिर रहती है। शिखर पर एनेमल ढका रहता है जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दंत कोशिकाएं डेंटिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। अब आती है इसके बाद ओसोफेगस या ग्रसनी। ओसोफेगस या ग्रसनी मुख गुहा के आगे का भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख तथा ग्रसिका के मध्य स्थित होता है। इसके पार्श्व भाग में जो दो छिद्र घाटी द्वार तथा निगल द्वार होता है। घाटी द्वार जो श्वास नलिकाएं जहाँ खुलती है और निगल द्वार जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आता है फेरिंग्स, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रसिका और इसकी भित्ति में निम्न स्तर पाए जाते हैं। बाहपेशी स्तर, श्लेष्मा स्तर, अर्धश्लेष्मा स्तर और सिरोसा। ग्रसिका भोजन को क्रमांकुंचन गति के द्वारा ग्रसनी से आमाशय में पहुँचाने का कार्य करती है। श्वास नली में भोजन के प्रवेश को जो है वो एपिग्लॉटिस या घाटी द्वार जो है ढक्कन लगाकर रोक देता है ताकि भोजन के कण श्वास नली में प्रविष्ट न हो। आमाशय या स्टमक। ग्रसिका के आगे पेशी थैले के समान एक संरचना होती है जिसे आमाशय कहलाता है। आमाशय के तीन भाग होते हैं, एक होता है ऊपरी भाग फंडिक, निचला भाग पाइलोरिक और मध्य का भाग जो है वो कार्डियक कहलाता है। आमाशय में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां मुख्यतः जठर रस का स्राव करती है। जठर निर्गम यह श्लेष्मा का स्राव करती है। आमाशय की भित्ति श्लेष्मा उपकलाओं की बनी होती है और जो स्वपाचन से इसको बचाती है। ये इसलिए पाई जाती है श्लेष्मा लेयर ताकि आमाशय का पाचन न हो। आमाशय के सिरों पर स्थित अवरोधनिया जो है भोजन को निकास का नियंत्रण करती हैं। एक वाल पाए जाते हैं आमाशय के दोनों सिरों पर, पाइलोरिक और वाल पाया जाएगा और कार्डियक वाल पाया जाएगा जो भोजन को आने देगा और भोजन को छोटी आंत में जाने देता है। जठर ग्रंथियां दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जाइमोनोजन कोशिकाएँ जो पेप्सिन का स्राव करेंगी यानी पेप्सिनोजन के रूप में इसको स्रवित करती है जो प्रोटीन में के पाचन में मदद करता है। अम्लजन कोशिकाएं ये HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती है। HCl जो है भोजन के साथ आए वाले जीवाणु या रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसके अलावा HCl के जो कार्य होंगे, एक तो भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन में आए जीवाणुओं की सुरक्षा करना, कठोर जो भोजन है उसको मुलायम कठोर भागों को गला देना, मुलायम भागों में करना और साथ में माध्यम को अम्लीय बनाने का कार्य जो है तो ये करता है। क्योंकि जितने भी भोजन को पचाने वाले या प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो सभी अम्लीय माध्यम में अधिक क्रियाशील होते हैं, अम्लीय माध्यम में ये कार्य करते हैं। छोटी आंत या स्मॉल इंटरस्टाइन। आमाशय का एक भाग पाइलोरी भाग से जुड़ी एक छोटी नलिका पाई जाती है जिसे छोटी आंत कहा जाता है। इसका प्रथम खंड यूके आकार का होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और इस भाग को जो है ग्रहणी या डियोडिनम कहा जाता है। द्वितीय भाग
यह खंड लगभग 1 मीटर लंबा और कुंडलित होता है, जिसे जेन्यूनम कहते हैं। अंतिम खंड 1.7 मीटर लंबा कुंडलित भाग होता है, इसे इलियम कहा जाता है। छोटी आंत की भित्ति में 4 तरह की ऊतकीय स्तर होते हैं, जिनमें अंगुली के समान रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुरों से पाचन और अवशोषण की कारी सतहों को बढ़ाया जाता है। रसांकुर यानी विलाई पाए जाते हैं, घाटियाँ पाई जाती है, जो भोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ने में मदद करती है, रुक रुक कर आगे बढ़ाती है, जिससे अवशोषण की सतह में वृद्धि होती है। बहुत अधिक रक्तवाहिका इसमें पाई जाती है, ताकि भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा ही अवशोषण कर सके। ये छोटी आंत के पिछले भाग में पाए जाते हैं। ब्रूनर ग्रंथियाँ, श्लेष्मिका में कुंडलित ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें ब्रूनर ग्रंथियाँ कहते हैं। रसांकुर में कलश कोशिकाएँ और पैनेट कोशिकाएँ भी पाई जाती हैं। ये छोटी आंत का डायग्राम है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम है, जेन्यूनम है और इलियम है। अब आता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। आहार नाल का अंतिम भाग बड़ी आंत कहलाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक छोटी सी बंद कोशिका कोशा होता है, जिसे कोलन कहते हैं। यह मनुष्य में अवशेषी अंग होता है या अपेंडिक्स। कोलन के सिरे पर अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे क्रमुई रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम या मलाशय कहलाता है, एनस। यह अंतिम भाग होता है जो गुदादौर में खुलता है। इसके चारों ओर 2 प्रकार की अवरोधनी या पेशियाँ पाई जाती है। बाहावरोधनी चिकनी पेशी से निर्मित होती है, जबकि आंतरिक अवरोधनी जो है रेखित पेशी से निर्मित होती है। आहार नाल की दीवालों में जो है ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, सिरोरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये हमने मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक की संरचना का अध्ययन किया है। धन्यवाद।